हाय गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड। और आज का एपिसोड देख के आप ना डर मत जाना, क्योंकि हस्कीज के बाल कितने झड़ते हैं मैं आज आपको ये दिखाने वाली हूँ। और अगर आप प्लान कर रहे हो कि आपने एक हस्की लेना है तो बिल्कुल भी मत डरिए, क्योंकि ये सिर्फ साल में दो बार ही होता है, और वो भी 3-4 दिनों के लिए। अगर आप अच्छे से इनकी ब्रश कर लोगे तो आपको कुछ भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। और ये होते इतने क्यूट और इतने फ्रेंडली होते हैं ना, मैं आपको बता नहीं सकती है। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो स्पेशली हस्की से अच्छा कोई मे बी हो भी सकता है, बट मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, हस्कीज दे आर रियली क्यूट, और आप उनको घर लेके आ सकते हो। बट डॉग्स को घर लाने के कुछ आफ्टर इफेक्ट्स दिखाती हूँ मैं आपको। पहले तो ये देखो मेरे लॉन का इन्होंने क्या हाल बना दिया, लुक एट दिस। ये देखो लाइक व्हाट इज दिस यार, क्या कर रही है यार ये? ये देखो, ये देखो पूरा। और मैं अब आपको दिखाती हूँ कि मेरा लॉन कैसे दिखता था। मतलब जब से ये ड्रिजल आया ना, ये दोनों आपस में खेलते रहते हैं और ये हाल कर दिया। तो शुरू करते हैं आज का फर्स्ट डे का कॉमिंग सेशन, और वीडियो के एंड में आप देखना इतने सारे बाल इसके झड़े होंगे, और ये सिर्फ एक दिन का है। और ऐसे ही मुझे 3-4 दिन तक एवरी डे इसके बाल कॉम करने पड़ेंगे, ताकि आगे वाले जो कुछ दिन है उसमें हमारे कपड़े इससे बचे रहे। कॉम करने के लिए मैंने इसके नॉर्मल वाले कॉमी लिए, जिससे हम लोग भी नॉर्मल करते हैं घरों में, क्योंकि हस्कीज के बाल बहुत ज़्यादा थिक होते हैं, और अगर आप ब्रश से करोगे तो सारे बाल निकल के नहीं आते। इससे बहुत इजीली और बहुत जल्दी काम हो जाता है। कलेक्शन, और जस्ट इमेजिन नेक्स्ट 3-4 डेज में इतने बाल इसके रोज झड़ेंगे। कह रही नहीं आना मैंने, छोड़ दो मेरे को। अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू वेरी सून इन अनदर वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।